नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में और आप सभी के चैनल तेज ट्यूब पे। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड पल पल के अपडेट्स के लिए जो भी आपके वेबसाइट्स पे या जो भी अदर स्टेट्स में हो रहे हैं, उन सभी के नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के ठीक नीचे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करें और ठीक उसके बगल में जो बेल की आइकन है उसे प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियोस अपलोड करें आपको समय समय पे मिल जाए। आज की जो अपडेट है काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है और ये है आप सभी के स्टडी सेंटर से रिलेटेड। आप सभी के वेबसाइट जो कि है dlet.nius.ac.in, इस पर एक अपडेट आई है। आप सभी को जाना है स्टडी सेंटर कॉर्नर में। जो अपडेट है आप सब देख पा रहे हैं, आप सभी को एक अलग डैशबोर्ड दिखेगा। पहले जो डैशबोर्ड था उसे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे है द स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर हैज़ टू कंडक्ट द पीसीपी शेड्यूल वर्कशॉप अपलोड द अटेंडेंस, यानी आपके स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर को क्या क्या करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसके ठीक नीचे आपको दिखेगा पांच स्टेट्स का नाम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा और झारखंड। और बताया गया है फॉलोइंग स्टेट्स हैव प्रोवाइडेड द यूनिफॉर्म शेड्यूल ऑफ पीसीपी, यानी जो पीसीपी वहाँ पे कंडक्ट होने वाले हैं पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, उन सभी के शेड्यूल्स जो है यहाँ पाँचों स्टेट्स में इन्होंने प्रोवाइड कर दी है कि यहाँ पे कब टाइम टेबल होंगे और कब सारे पीसीपीज होंगे। तो जितने भी हमारे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा और झारखंड के टीचर्स हैं, इन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। और बाकी जो स्टेट्स हैं उन सभी की भी पीसीपी धीरे धीरे करके आपके वेबसाइट पे अपलोड होगी। जैसे जैसे अपलोड होगी वैसे वैसे हम आप सभी को बताएंगे इसके बारे में। तो चलते हैं, सबसे पहले झारखंड पे आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रीजनल सेंटर रांची ने इस पीडीएफ को जारी किया है। इस पीडीएफ का टॉपिक है पीसीपी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम सेशन शेड्यूल्ड फर्स्ट ईयर एट द स्टडी सेंटर इन झारखंड, यानी जो फर्स्ट ईयर का जो पीसीपी का जो सेशन है उसके लिए टाइम टेबल है। यहाँ पे टोटल आपको सीरियल नंबर है, डेट है, टाइम दिया हुआ है, नेम ऑफ रिसोर्स पर्सन दिया हुआ है और आपके टाइम बताए गए हैं, नेम ऑफ रिसोर्स पर्सन, टाइम, नेम ऑफ रिसोर्स पर्सन, टाइम, नेम ऑफ रिसोर्स पर्सन, यानी कब कौन से प्रोग्राम्स होने हैं इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। और काफ़ी लंबी लिस्ट है तो इसमें देख रहे हैं 27 जनवरी 2018 को आपके इनॉग्रेशन एंड डिस्कशन होंगे SBA के बारे में, यानी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में। तो जितने भी झारखंड के हमारे टीचर्स हैं जो जिन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में एडमिशन लिया है तो आप सभी को 27 जनवरी को अपने स्टडी सेंटर पर चले जाना है। ये आपकी टाइम टेबल है। 28 जनवरी को डिस्कशन होगा कोर्स नंबर 501 का, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। 3 फरवरी को यूनिट 2 का, 4 फरवरी को सारे के सारे टाइम टेबल्स अपलोडेड है। और आपको टाइम भी दिया है, जो डिस्कशन टाइम है वो है 8 बजे से लेकर 10 बजे, यानी आप सभी को अपने स्टडी सेंटर पर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह में रहना होगा। और नेम ऑफ द रिसोर्स पर्सन में जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनका नाम आपको दिया गया है लिस्ट में, स्टडी सेंटर्स के लिस्ट में, वो आपके रिसोर्स पर्सन होंगे। इसी प्रकार टाइम जो दिया हुआ है 10 से 12 नून, यहाँ पे आपको पेडागोजिकल प्रोसेसेस इन एलिमेंट्री स्कूल्स के बारे में लेक्चर दिया जाएगा, जो भी बताया जाएगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी लिस्ट आई है। तो जितने भी झारखंड के हमारे ट्रेनीज हैं, शिक्षक हैं, जा सकते हैं अपने अपने स्टडी सेंटर पे, उनकी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो आ चुकी है और आप सभी की शेड्यूल बनकर रेडी हो चुकी है। जो पीसीपी शेड्यूल है, जो आपके स्टडी सेंटर्स पे जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे कोर्सेज से रिलेटेड, तो सारे के सारे झारखंड के जितने भी ट्रेनीज हैं उन सभी के लिए ये टेबल है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा के जो भी हमारे शिक्षक हैं वो सब जाएंगे त्रिपुरा में और इनकी भी शेड्यूल ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम फॉर 15 डेज रिगार्डिंग ऑन द लाइन DLED प्रोग्राम एट NIUS पोर्टल फॉर इन सर्विस टीचर स्टेट त्रिपुरा की है। सैटरडे 20 जनवरी से, यानी 20 जनवरी से आप सभी की 3 बजे से लेकर 6 बजे तक 3 घंटे की पीसीपी होगी। तो जितने भी हमारे त्रिपुरा के सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी ट्रेनीज हैं उन सभी की पीसीपी की लिस्ट आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। आपको 20 जनवरी सैटरडे तक अपने स्टडी सेंटर पे पहुंच जाना है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु से जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और ट्रेनीज हैं उन सभी के लिए 20 जनवरी को आपकी इनॉग्रेशन और डिस्कशन डे होगी। उसके ठीक नीचे क्या होगा, क्या कब होगा और क्या प्रोग्राम्स हैं पीसीपी के लिए, इन सभी की डेट्स और कब होंगे और टाइमिंग के साथ आपको पूरी टेबल प्रोवाइड कर दी गई है। आफ्टरनून सेशन, मॉर्निंग सेशन, तो आप सब जाके अपनी वेबसाइट पे देख लें। तो जितने भी हमारे तमिलनाडु के सब्सक्राइबर्स और ट्रेनीज हैं उन सभी को 20 जनवरी तक अपने स्टडी सेंटर्स पे पहुंच जाना है, वहाँ पे उनके केस स्टडी की पढ़ाई होगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 6 जनवरी
6 जनवरी 2018 को इनॉग्रेशन एंड डिस्कशन ऑन SBA केस स्टडी, यानी यहाँ पे 6 जनवरी दिया गया है और आज है 18 जनवरी, यानी यहाँ पे काफ़ी पहले से PCP स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी लेट इन्फॉर्मेशन आई है। बट आप जाके अपने स्टडी सेंटर्स पे एक बार पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है कि 6 जनवरी यहाँ पे लिस्ट है और आज ये अपलोड हुआ है फाइल जो है, 18 जनवरी को फाइल अपलोड किया गया है NIOS की तरफ से। तो जितने भी महाराष्ट्र के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो जाके देख लें, उनकी जो PCP की शेड्यूल है वो आ चुकी है और आप अपने वेबसाइट पे जाके डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्टडी सेंटर का एक लेटर मिलेगा जो आपके रीजनल डायरेक्टर ने आपके स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर्स के लिए भेजा है, और ये भेजा है उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर के पास जो कि है मिस्टर SK प्रसाद। उन्होंने कुछ बताया है रेफरेंस को लेके कि जो स्टडी सेंटर्स कोऑर्डिनेटर्स को जो PCP शेड्यूल करना है वो कब करना है, कैसे करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके ठीक नीचे एक और टेबल है प्रपोज्ड PCP एंड वर्क प्लान फॉर द ईयर 2017-18 फर्स्ट ईयर स्टेट कर्नाटका। यहाँ पे आपको डेट दिया गया है जो कि है 10 दिसंबर, और यहाँ पे बाकी सारे डेट्स हैं और यहाँ पे कोई भी शेड्यूल नहीं बताया गया है। तो अभी ये जो रिपोर्ट है ये अभी पूरी फुलफिल्ड नहीं है, तो जो भी कर्नाटका के हमारे टीचर्स हैं और जो ट्रेनीज हैं वो जाके पता करें। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा और झारखंड से जो अभी अपडेट आ रहा था फिलहाल हमने आप सभी को बताया। आप सभी की PCP शेड्यूल हो चुकी है, आप सब जाके अपने PDF फाइल को ओपन करके पढ़ सकते हैं और जो टाइम टेबल है उसके बारे में देख सकते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका की जो PCP शेड्यूल की जो डेट आई है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये पूरी फाइल आज अपलोड हुई है 18 जनवरी को, और जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं महाराष्ट्र में 6 जनवरी का डेट दिया हुआ है। तो जितने भी महाराष्ट्र के हमारे ट्रेनीज हैं वो सब जाके अपने स्टडी सेंटर पर इसके बारे में बात करें, और कर्नाटका के जो भी हैं उनको जाके बात करें कि जो स्टडी सेंटर की लिस्ट अपलोड हुई है ये ब्लैंक है, केवल डेट्स मेंशन है और कोई भी टॉपिक और कब आना है इसके बारे में नहीं बताया गया है। और बाकी के जितने स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, धीरे धीरे आप सभी की भी लिस्ट अपलोड होगी। फिलहाल झारखंड की जो लिस्ट है ये 1 घंटे पहले अपलोड हुई है, बाकी 4 स्टेट्स की 2-3 घंटे पहले अपलोड हो चुकी थी। तो धीरे धीरे बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी की लिस्ट और अपडेट्स आएगी और हम आप सभी को बताएंगे। इस अपडेट का जो आपको समरी मैं बता दूं, इसमें आपके PCP को शेड्यूल किया गया है। PCP का मतलब होता है पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, यानी आप सभी को आपके स्टडी सेंटर्स पे ले जाया जाएगा, मैंने आपको जाना है। जाने के बाद आप सभी को बताया जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसे इस प्रोग्राम को करना है। 15 दिन की PCP होगी और इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट आपका अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 दिन में आपको 12 दिन जाना होगा, अगर आप 12 दिन नहीं जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो बिना लेट करते हुए जो भी हमारे स्टेट्स के सब्सक्राइबर्स हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा और झारखंड, तुरंत जाएं अपने अपने स्टडी सेंटर्स पे कोऑर्डिनेटर से बात करें। अगर आपको अपने स्टडी सेंटर के बारे में नहीं पता है तो आप जा सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की वेबसाइट पे, टीचर सेक्शन में क्लिक करें, जाके डायरेक्टली टीचर सेक्शन में क्लिक करें, यहाँ पे सीधा दिया हुआ है टू नो योर अलॉटेड स्टडी सेंटर, क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करें। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालने को कहेगा, अपना रेफरेंस नंबर डालें। अगर रेफरेंस नंबर देता है गलत, इट मीन्स रॉन्ग रेफरेंस नंबर, तो आप जाके अपने जो स्टेट और रीजन के जो भी आपके टाउन में और ब्लॉक में जो स्टडी सेंटर्स हैं उनसे जाके अपनी परेशानी को बताएं, क्योंकि उनके पास लिस्ट होगा जो भी स्टूडेंट्स उनके स्टडी सेंटर के लिए अलॉट किए गए हैं, वो आपको बता देंगे कि आपकी लिस्ट कहाँ है। और फिलहाल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं रॉन्ग रेफरेंस नंबर से रिलेटेड, तो वो इसलिए हैं क्योंकि अभी तक NIOS ने जो डाटा है वो टोटली अपलोड नहीं किया है, धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं स्टडी सेंटर कॉर्नर में जाके आप देखें तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा और झारखंड, 5 स्टेट्स की ही अभी शेड्यूल फिक्स की गई है, बाकी के स्टेट्स की शेड्यूल नहीं आई है। तो आप सब अपने चैनल से और अपने वेबसाइट से बने रहें, जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आप सभी को बताएंगे। और वीडियोज़ अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई परेशानी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो भी आपके चैनल्स पे वीडियोस अपलोडेड हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपके YouTube चैनल्स पे जो वीडियोस अपलोडेड हैं, आप जाके इन सारे वीडियोस को देखें। अभी फिलहाल हमने स्टडी सेंटर रजिस्ट्रेशन और असाइनमेंट से संबंधित जो भी परेशानियां इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। आप सभी के वीक नंबर 16 में 11 क्वेश्चंस की सीरीज़ अभी फिलहाल चल रही है, तो आप जाके इन सीरीज़ को भी दें, और जो भी परेशानी हो आप अपने चैनल को सर्च करें YouTube में और यहाँ पे आप वीडियोस देख सकते हैं। आप सब अपने असाइनमेंट्स को लिखना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है। उसके लिए आपको अपने YouTube में जाना है, सर्च करना है तेज ट्यूब, आपको जाना है अपने प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पे आपके असाइनमेंट्स के सारे आंसर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं DLED कोर्स 503 सॉल्व असाइनमेंट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, DLED कोर्स 501 सॉल्व असाइनमेंट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड DLED कोर्स 501 सॉल्व असाइनमेंट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ हैं और सारे के सारे आंसर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आप जाके लिखें।
कैसे असाइनमेंट्स को लिखना है उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें। असाइनमेंट्स को कैसे लिखना है, कौन से पेजेस में लिखना है, लिखने के बाद कहाँ जमा करना है और क्या करना है, इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी हमारे स्टेट्स और हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो भी कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा और झारखंड के जो भी हमारे ट्रेनिंग हैं उन तक ये बात पहुँचे और सबको पता चले और जल्द से जल्द पता चले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।